हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्नामेंटल फिशेस को पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक जो है ये एक्वेरियम फिश कीपिंग से लिया गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो ऑर्नामेंटल फिश यानी कि जो सजावटी मछलियाँ होती हैं जिन्हें हम एक्वेरियम में रखते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसीलिए लिखा गया है इसमें कि फ़िश ट्रांसपोर्ट का एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक फ़िश को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिशेस को आमतौर पर कंटेनर, प्लास्टिक बैग, बोतल आदि में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके लिए किसी भी स्वच्छ जलरोधक कंटेनर या बैग का यूज़ किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे पहले मछली को वातानुकूलित किया जाना चाहिए ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सके। इसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए फ़िश को पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि ट्रांसपोर्ट के लिए प्लास्टिक की पन्नी यानी कि प्लास्टिक बैग का यूज़ किया जा रहा है तो पानी और मछली के बाद ऑक्सीजन मिलाई जाती है। पहले बैग में पानी और फिर मछली को रखा जाता है और उसके बाद उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है जिसमें से लगभग एक चौथाई उस पन्नी में पानी होता है और मछली होती है और जो तीन चौथाई भाग होता है उसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन डालने के बाद बैग को रबर टेप या अन्य सामग्री से बांध लिया जाता है ताकि लीकेज ना हो, और लीकेज से बचाव के लिए दो प्लास्टिक बैग का यूज़ भी किया जाता है और उसके बाद इसे किसी डिब्बे में रखकर ट्रांसपोर्ट के लिए वाहन में रख देना चाहिए और इसके बाद इसमें छेड़ना नहीं चाहिए। अगर ये ठीक से पैक किया गया होगा तो और गर्मी से अच्छी तरह रहेगा, यानी कि इस पर धूप नहीं पड़ेगी, तो इससे पानी में बदलाव किए बिना भी फिश को 24 से 48 घंटे तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्नामेंटल फिश। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।